उदगीर शहर के अंदर पिछले 6-7 दिनों से पूरे शहर की कल्पना टाकी से लेकर उदयगीर कॉलेज तक स्ट्रीट लाइट बंद है, लेकिन यहाँ के जो MIM और भाजपा की मिली जुली सरकार जो है, वो मिली जुली सरकार सिर्फ माननीय हमारे एडवोकेट बैरिस्टर असद अवैसी साहब का नाम लेकर यहाँ पर आप नगरपालिका में गए, लेकिन उनके ख्यालात का एक भी काम MIM की तरफ से नहीं हुआ। बाहर आने के बाद आप MIM की बात करते हैं, अंदर जाने के बाद भाजपा का साथ देते हैं। ये जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम भाजपा और MIM उदगीर शहर के सामान्य लोगों के साथ कर रही है, ये बंद करना ज़रूरी है। आज 6-7 दिन से स्ट्रीट लाइट उदगीर की बंद है, लेकिन कोई नगर सेवक ने एक भी आवाज़ उदगीर शहर के अंदर नहीं उठाई है। इन्होंने सिर्फ इधर मुसलमानों को बोलने का हम तुम्हारे हैं, उधर भाजपा बोलने वाली हम तुम्हारे हैं, ये बोलकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। मेरी अभी हमने उदगीर के डिप्टी कलेक्टर साहब से विनंती की है कि 15 वित्त आयोग के अंदर कम से कम 4-5 कोटी रुपए बाकी हैं, वो पैसे आप लाइट विभाग को वर्क करो और उदगीर शहर की लाइट चालू करो। लेकिन इनको लाइट चालू करने से मतलब नहीं है, इनको सिर्फ रोड नाली जिसके अंदर ये लोगों को मलिदा मिलता है वो काम करने के लिए इन्हें प्राधान्य दे रहे हैं। उसी के साथ आज कम से कम 4 साल हो गए सत्ते में भाजपा और MIM आके, इन्होंने जाकिर हुसैन साहब के नाम पे सिर्फ वोट लिए, लेकिन वोट लेने के बाद बिल उठा लिए। कौन काम करी है पूरे उदगीर को मालूम है। बिल उठाने के बाद अब तक जाकिर हुसैन चौक का काम हुआ नहीं है। मेरी ये गुजारिश है कि बिल उठने के बाद काम अगर नहीं होता तो इसकी भी चौकसी होना चाहिए। पहले शुरू प्राधान्य उदगीर शहर के अंदर लाइट बंद होके कम से कम 6-7 दिन हो गए, दूसरी कोई घटना अप्रिय न घटने से पहले उदगीर शहर की लाइट चालू करें और रोड नाली ये काम कम कर लाइट चालू करने की कोशिश करें। ऐसी विनंती हमने माननीय उपजिलाधिकारी साहब को की है। अगर ये 2-3 दिन में लाइट चालू नहीं होती है तो हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी रोड पर उतर के इसका तीव्र आंदोलन करेंगे।